बस ये है केक, थोड़ा सा बचा है जो कल स्वाति ने रात को बनाया था। ये किसी और के लिए बनाया गया था, इतना सा बचा। मैंने नहीं खाया था रात को, उसके पापा ने खा लिया, कनिका ने भी खा लिया होगा, पर मैंने तो नहीं खाया। तो मैं थोड़ा सा भी टेस्ट कर रही हूँ कैसा बनाया। पूरा पूरा मैंने इसमें कोई हेल्प नहीं करी, पूरा स्वाति ने खुद ही बनाया था, पर मैं भी टेस्ट करने लगी हूँ। आज है 10 तारीख और इस टाइम समय हो रहा है 7 बजने वाले हैं, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं किचन में हूँ, चाय पी चुकी शाम की। बच्चे अभी थोड़ी देर के लिए लेट गए। ये देखें अंगूर पड़े हैं, नीचे पड़े हैं टिंडे, तो कल बनवाऊँगी भरवा टिंडे। अंगूर अभी ये पड़े हैं, खाए नहीं, जब से वीर बाजार से लाए हैं तब से खाए नहीं है। ऐसे पड़े, मेरा ये पड़ा हुआ है बिस्किट हाथ में। ये कह रही थी मैंने, ये बर्तन धो के गई थी अभी, ये वाले बर्तन, ठीक है। और ये मैंने सर्फ लगा दिया था, इस पर भी धोने हैं मुझे। तो आज उसने क्या किया, आज हमने बनवाया था उससे, मैं आधा किलो पालक लाए थे ना, तो पालक और मशरूम की बनवाई थी सब्ज़ी। तो आधा किलो पालक देख लो, मैंने कल काट दी थी पालक, पर धोई नहीं थी। मैंने कहा आज सुबह धो के वो बना देगी, तो उसने इतना बड़ा कुकर यूज़ किया, तो मुझे तो गुस्सा आ गया। मैं तो बस सबसे छोटा, ये जो छोटा सा कुकर दिख रहा है ना, ये यूज़ करने वाली थी अगर मैं खुद, मतलब उसको धो के उबालती। तो इतना बड़ा कुकर कल ही धो के रखा था, मतलब रात को ही, सवेरे अभी देखा तो मैंने फिर धोने के लिए पड़ा हुआ है। फिर मैंने पूछा तो कह रहे कि उसने इतने छोटे से, इतने बड़े कुकर में थोड़ी सी पालक उबाली, बताओ। बर्तन भी वो ऐसे ऐसे यूज़ कर लेती है ना, कड़छियाँ तगड़ी तगड़ी ले लेगी, है ना। अब ये कढ़ाई पड़ी अभी धोनी है मुझे, तो मैं ये बर्तनों का सर्फ लग चुका है धो लेती हूँ, और उसके बाद फिर करती हूँ रात के खाने की तैयारी। जय व्यूअर्स, सारे बर्तन धुल गए, मैंने धो लिए सारे बर्तन, ठीक है। और ये मेरे, पता क्या बना रही हूँ, चुकंदर उबाल रही हूँ, उन्हें वाले। इधर मैंने बनाए सैंडविच, सैंडविच में कुछ खास नहीं डाला, लाल सॉस लगाई है, और मेरे पास ना सब्जी पड़ी थी वाली, आलू गाजर की थोड़ी सी पड़ी हुई थी सूखी सब्जी, तो मैंने कहा इसको भर के बना लेते हैं, कि पापा आए हैं, मैं उनको भी कुछ खाने को देना था ना, तब से बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा उनको कुछ खाने को देती, बच्चे सो रहे थे, उनको उठाना भी था, थोड़ी सी उनकी आँख लग गई थी, मैंने कहा चलो उनका उठा। तो राजमा मैंने भिगो के रख लिए हैं, अब लगी हूँ तड़का काटने, आज राजमा चावल बनेंगे। हाँ, तो व्यस्त के पापा जो थे कल गए थे ऑफिस, वो दवाइयाँ और लेनी थी, और मेरा फिजियोथेरेपिस्ट का वो जो होता है ना, उसकी परमिशन लेनी थी, पर कल काम हुआ इनका आधा, क्योंकि कल निकले 4 बजे, 5 बजे पहुँचे, काम ही आधा हुआ। तो गलत बात है, टाइम से निकलते नहीं है, टाइम से निकलते तो एक ही बारी में काम पूरा हो जाता। और आज गए हैं ऑफिस, नहीं ऑफिस नहीं, आज गए हॉस्पिटल, कुछ दवाइयाँ ऐसा थी ना इनको समझ नहीं आ रही थी, इनके लिए डॉक्टर ने 4 दवाइयाँ लिखी थी, तो उनको थोड़ा हो रहा था प्रॉब्लम कि ये दवाइयाँ दोबारा दोबारा रिपीट हो रही हैं। तो आज गए थे ऑफिस, अभी आ गए हैं, मैंने पूछा नहीं क्या बात हुई है, और आपको दिखाती हूँ। आज ये बच्चों ने फिर बना रखा है ये वाला, ये देखा डिटॉक्स वाटर फिर बना रखा है इन्होंने, ये काम है स्वाति का डिटॉक्स वाटर का। तो इतना ढेर सारा सलाद कटा पड़ा है जो रात के काम आने वाला है, ये वाला रात के काम आएगा, अभी ज़्यादा ही कट गया ना सलाद, ये पूरा भर के काट देती है वो, फिर हम दोपहर को उसको यूज़ करते हैं, कुछ ये रात को कर लेते हैं, ठीक है। तो बर्तन धोने मुझे, बच्चे आराम कर रहे हैं, और उसके बाद मैं रात के खाने में सोचती हूँ क्या बनाना है। अच्छा, कल बच्चे गए थे डोनेट करने सामान, उसने खाना भी बांट दिया था। खाना जो है ना उसने, जो हमारी कुक है उसने नहीं बनाया था, मेरे को मैंने सोचा था कि ये बोल देगी उसको कि 15 रोटी या 30 बना दे, पर उसने नहीं बनाई थी, तो वो बस 2 सब्जियां बना के और हमारे लिए जो 14-15 रोटियां बना के चली गई थी। तो मुझे बाद में पता लगा कि शाम को स्वाति आटा गूंद कर खुद ही रोटियां बना रही थी, पराठे बना रही थी खुद ही। पर अब अच्छी बात है, डोनेट करना तो अपने हाथ से करना चाहिए ना, मतलब अपने हाथ से बना के करो तो ज़्यादा अच्छा है, किसी से बनवा लिया डोनेट कर दिया उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। तो आज भी जा रहे थे बच्चे डोनेट करने, पापा गए अपने हॉस्पिटल, ये पीछे से डोनेट करने चल के लिए तैयार हो रहे। मैंने बोला भी देखो पापा आएंगे उनके सामने सामान को दिखा लो एक बार, क्योंकि उनके जूते और ये जितने सारे बैग पड़े थे निकाल के रखे हुए हैं, ये कह रहे हैं इसमें कुछ अच्छे बैग भी हैं इसके पापा के पसंद के। तो मैंने कहा पहले पापा को दिखा लो और उनके जूते भी एक बार चेक करा लो, फिर देना, नाले और भी बहुत सामान है डोनेट करने वाला, तो बहुत सारा है, ठीक है। वो अभी मतलब छांटना है, ठीक है। तो मैंने इनको मना कर दिया, इनका पापा फिर गुस्सा करते हैं, कल भी इन्होंने क्या किया बिना पूछे चले गए ना, मतलब पापा कह रहे थे एक बार मुझे दिखा ले सामान, सबकी नज़र पड़ जाए कि कौन सा दिया जा रहा है, तो जैसे ही रहता है, यानी कि अपने आप को कुछ भी उठा के दे दिया, वो सही नहीं है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलो पहले मैं अब लगती हूँ काम करने, और उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी करते हैं। तो आपको बता रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, खाना सबने खा लिया है, खाने के बाद ये बचे हैं राजमा,
ये देखिए बेचारे राजमा सारा इसका ना तरी तो हरी ख़त्म हो गई इसकी ग्रे मतलब ये हार्ड हार्ड रह गए इतने से। ठीक है तो ये बने हैं बचे हैं राजमा और थोड़े से बचे हैं चावल। ये देखिएगा इतने से चावल बचे हैं, सबने खाना खा लिया है, थोड़ा सा दूध बचा भी, नया दूध लाए गर्म करना है। ये जो है ये बर्तन धोने एक दो, तो खाना खा लिया है, दो तीन जने खा रहे हैं, मैंने तो खा लिया है। और इधर ना कुछ खास स्पेशल बन रहा है इसमें, इसमें क्या बन रहा है दिखाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा इसके साथ इसको इसको ढक्कन खोल के दिखाती हूँ आपको एक मिनट। अरे ढक्कन भी नहीं रहा, एक मिनट, हाँ ऐसे करके ये खुल ही नहीं रहा ढक्कन मेरा, एक मिनट। ये देखिए क्या बन रहा है, एक केक बन रहा है, ये पूरा केक स्वाति ने ही बनाया है, अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है, बस मैंने कहा चेक कर लूँ बना के आ रही है, और ये किस खुशी में बना रही है बताऊँगी बाद में अगली वीडियो में। बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, राजमा चावल बनाए और बनाया केक, तो कल मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। तो हुआ आज क्या कि आज हमारी कुका ही नहीं, उसने छुट्टी मार ली, आज वैसे भी 11 तारीख है तो 10 दिन से मारी नहीं थी, तो मार नहीं रही थी उसने, तो फिर दोपहर का खाना तो बना नहीं, मतलब हमने सोचा था हाँ खाया था हमने एक एक रोटी सबने खाई थी राजमा के साथ, कल रात को बनाए थे राजमा चावल, बहुत टेस्टी बने थे राजमा। और उसके बाद जो है फिजियोथेरेपिस्ट आया था, मैंने एक्सरसाइज कर ली थी, उसके बाद 4 घंटे का आराम भी हो गया, 5 बजने वाले हैं, अब मैं उठ के कहाँ करती हूँ काम, और पहले चीला खा लूँ, और ये एक अनार पड़ा है वो भी काट देती हूँ, ठीक है उसके बाद लग जाते हैं काम। आज पता दूसरे वाले फिजियोथेरेपिस्ट ने भी आना है, पता नहीं वो आएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, उनका मैसेज आया था कि वो शाम को आएंगे, और शाम तो हो गई है अभी तक आया नहीं कि वो कितने बजे आएंगे, और पक्का है अभी नहीं है कि आएंगे कि नहीं, अगर आ गए तो मेरा दूसरी बार बैंड बज जाएगा, फिर रात का खाना भी बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, 5 बजे के मैं काम पर लग ही जाती हूँ। उसके पापा बना रहे चाय, कनिका ने बनाए सारे ये पूरे, उसके पापा ने 2 खाए, बाकी सब ने मेरे ख्याल बाकियों ने भी 2-2 ही खाए, बेचारी की कितनी मेहनत करनी पड़ी उसे, उसके पेपर हो गए ख़त्म, कल लास्ट पेपर था, पेपर ख़त्म हो गए हैं उसके, तो इसलिए वो आराम से काम भी कर रही है। चलो पहले मैं अपना पूरा खा लूँ, नार काट लूँ, चाय पी लूँ। फिलर्स आज है 11 तारीख, टाइम हो गया है 5:45, हम खा रहे हैं ये मूँगफली वाला चिल्ला, मूँगफली और बेसन वगैरह और चीज़ें और भी डाली हैं, प्याज टमाटर शिमला मिर्च डाल के बन रहा है, बना है चीला, एक पहले खा लिया था आधा, अब मैं और खा रही हूँ। ये अनार मैंने एक काट दिया था, दूसरा भी काटती हूँ। तो आज क्या हुआ, मैं आ गई किचन में, आज मेरा जो दूसरा वाला फिजियोथेरेपिस्ट था जो हॉस्पिटल से हम थे वो नहीं आए, उनका मैसेज आया वो कल आएंगे, उनका पहले ही मुझे लग रहा था ऐसे करने वाले। ये फल काटे थे हस्बैंड ने, ये मेरे हिस्से के फल नहीं, मैं खाऊंगी अभी। ये देखिए ये क्या, ये ना वो रसमलाई मंगाई थी फ्रीजर में पड़ी थी, तो मैं इस रसमलाई को खाने लगी, इसमें क्या डालूंगी, अनार मैंने 2 काटे थे आज, इसमें अनार मिक्स करके मैं रसमलाई खाने वाली हूँ, पहले मैं रसमलाई खाती हूँ फिर मैं खाऊंगी ये फल। फल मेरे हिस्से के हैं, वैसे इसके पापा के हिस्से के भी पड़े हैं, बच्चों ने खा लिए दोनों ने, इन्होंने मुझे दोपहर को दिए थे। ठीक है तो हुआ क्या कि आज ना भूख नहीं आई, तो कनिका ने काम किया दोपहर का खाने का, मैं सोच रही थी मैं करूँगी पर मेरे से हो नहीं पाई, मेरे पीछे दर्द शुरू हो गई एक्सरसाइज करने के बाद, मैंने एक अनार काटा और पीछे दर्द शुरू हो गई, फिर मैं लेट गई, फिर मैं लेट ही रही, मैं उठी मेरे ख्याल 4:30 बजे के आसपास, स्वाति भी कह रही मम्मी क्या आप सारा दिन सोते रहे, मैं कहा सोच नहीं रही हूँ, जाग तो रही हूँ लेकिन आँखें बंद करके पड़ी हूँ, इससे पहले कि हाय हाय करती रहूँ सबको सारा घर सिर पर उठाऊँ वो अच्छी बात नहीं है ना, अगर मतलब सब अपना काम करते रहे मैं चुपचाप पड़ी हूँ वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है तो फिर उसके बाद मैं 4:30 उठी हूँ, तब मैं वो कनिका ने बनाया था आज वही उसका मूँगफली वाला बेसन का चीला, 1.5 मैंने खाया, 2 उसके पापा ने, सबने इस तरह से खाया, बहुत मैं अच्छा बना था, टेस्टी बना था। तो इससे पहले के पापा जब मैं लेटी थी तो अंगूर ले आए मेरे लिए, वो मैंने खाए, उसके बाद ये फल काट के ले आए, एक ही चीला खाया था फल काट के, मैं कहा मैं बेटे की क्या है, मैं खाती जाऊँ एक लेटे लेटे खाती जाऊँगी, कोई बात नहीं होती। फल फिर मेरे हिस्से के पड़े थे, मैं अभी खाऊँगी, अभी 8:15 हुए हैं, और ये मैंने स्वाति पीछे पड़ी थी ना काट दो मेरे को, तो मैंने 2 काटे हैं अनार, और पहले मैं ये खाऊंगी, ये वाला ही मेरा फेवरेट,
अभी पूरी फ्रिज चेक करके आती हूँ कि क्या सामान पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, रात को क्या खाना बनाना भी डिसाइड करना है। हेलो व्यूअर, इस समय 7:45 हो रहे हैं, मैं हूँ किचन में। इससे पहले मैं क्या कर रही थी, बालकोनी की जो बाहर की मेन बालकोनी है ना, उसकी सफाई कर रही थी। सो सारे वो दरवाजे वगैरह, जाली वाले दरवाजे नहीं होते, शीशा वगैरह सब वो साफ़ करके, बालकोनी की झाड़ पूछ करके बालकोनी में झाड़ू लगा लिया मैंने झाड़ू आज पहली बार। जैसे मैं झाड़ू लगाती थी डर लगता है कि मेरा पैर ना मुड़ जाए, पर लगा ही लिया। ठीक है, तो जा बाहर, कनिका कर रही है कपड़े छांटो अभियान शुरू, और स्वाति उसके पापा के कमरे की सफाई हो रही है। ठीक है, वो उसके पापा के कमरे की सफाई कर रही है। मैं आ गई हूँ किचन में और क्या कर रही हूँ भी बताती हूँ। Oh, 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 oh